हाय स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 10, दैट इज 10th एंड 100th। अब 10th एंड 100th की बात करें तो हम जब किसी भी चीज की वैल्यू लेते हैं, अगर मैं ले ली हूँ 2000, है ना, तो ये हो जाता है 1, 10, 100, 1000। हमारा कहाँ तक है, 10th एंड 100th तक के लिए बोला गया। तो 10th एंड 100th तक की जब हम बात करते हैं तो क्या चीजें आएगी, 10th यानी जब हम डेसिमल पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं तो हम 10th बोलते हैं या 100 बोलते हैं। मैं कैसे लिखती हूँ, 1/10 या 1/100, इसको मैं लिखती हूँ 10 और इसको लिखती हूँ 100। क्या लिखती हूँ, 100। डेसिमल में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 एंड 10। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे मेजर किया जाता है, स्केल को कैसे यूज किया जाता है, स्केल को जब डिवाइड करें तो कैसे डिवाइड करते हैं और यूनिट्स को चेंज करना देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे। जब मैं स्केल की बात करूं, ये मेरी स्केल है, ये 0 है, 1, 2, 3, 4, तो बीच में 5 है, 1, 2, 3, 4, देन यहाँ 1 है। पूरा नहीं पता कि यहाँ से बता, 0 से लेके 1 के बीच में टोटल कितने डिवीजन होते हैं, 10 डिवीजन होते हैं। उस 10 डिवीजन में जो फल है वो 1 mm मिलीमीटर, देन उससे छोटा 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, फिर 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm और 10 mm। जैसे 10 mm मतलब वो कितना हो जाता है, 1 cm। 1 cm इक्वल्स टू 10 mm, ठीक है। उसके बाद जब आगे बात करें, 1 cm हो गया। अब जब तुम मेजर करो, अगर मेरे यहाँ पे 4, 5, 1, 2, 3, 4, देन ये 2। अगर मैं कभी किसी चीज को मेजर करूं, 1 के बाद कोई पॉइंट पे आ रहा है, सपोज इस पॉइंट पे आ रहा है, तो मैं लिखूंगी 1.3। क्या लिखूंगी, 1.3 cm उसकी लेंथ है। कितनी है, 1.3 cm उसकी लेंथ है। अब बात करते हैं आगे, जैसे तुम्हारे बुक में है लेंथ ऑफ नेल निकालने के लिए बोला गया है, लेंथ ऑफ नेल निकालने तो कैसा है, 2.9 आ रहा है। कितना आ रहा है, जितना स्केल, अगर सपोज यहाँ पे आ रहा है मेरा, तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो मैं लिखूंगी 1.9 cm। 1 cm इक्वल्स टू 10 mm। अगर मुझे इसको फुल यूनिट में लिखना है तो क्या लिखूंगी, 1 cm 10 9 mm, दैट इज मिलीमीटर। तो कुछ एग्जांपल्स हमारे बुक में, जैसे क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू mm, यूनिट दिए उसको कन्वर्ट किस में करना है, mm में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, mm। जैसे दिया हुआ है 0.5 cm, क्या दिया है, 1 cm इक्वल्स टू कितना है, 10 mm, यहां तक दिया है। हमें दिया है 0.5 cm, उसको किस में कन्वर्ट करना है, mm। हम कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स क्या है, वेरिएबल, जब भी कोई वैल्यू तुम्हें निकालनी है तो उसको हम क्या लेते हैं, एक्स। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 10 × 0.5 cm, ये mm अपॉन 1 cm, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 0.5 × 10 का भी तो आंसर आएगा 5 mm, तुम्हारी वैल्यू आएगी। दूसरा, जब भी किसी बड़ी यूनिट को स्मॉलर यूनिट में करना है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। वहीं जब स्मॉलर यूनिट को बड़ी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना है। जैसे सेंटीमीटर कैसा है, बड़ा है, mm छोटा है, तो सेंटीमीटर से mm पे चले गए, क्या करोगे, किसी भी यूनिट को 10 से मल्टीप्लाई करोगे। 0.5 cm को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा आंसर आता 5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास है, दैट इज 0.9 cm, 0.9 cm है, उसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 0.9 × 10 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9 mm। 1 cm को कर देंगे तो क्या करना है, जब मैंने बोला सेंटीमीटर से mm में जाना है ना, बड़ी यूनिट है, बड़ी से छोटी में जाना है, तो मैं जी कहूँ तो 8 × 10 तो आंसर आएगा 80 mm। कितना आंसर आएगा, 80 mm। वही 10 cm को अगर मुझे मिलीमीटर में करना है तो 10 cm × 10 करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 10 mm। कितना आएगा, 10 mm।
क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए करना चाहिए क्योंकि तुम्हें पता चलता है कि यूनिट यूनिट से कट गई, उस यूनिट से कटने के बाद जो तुम्हें लास्ट में यूनिट मिलती है उस हिसाब से तो क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हो। अब एमएम में दिया हुआ है सेंटीमीटर से एमएम में कन्वर्ट करना, अभी हमने देखा तो कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन है, जैसे 3.5 mm है क्वेश्चन हमारे पास, 3.5 cm है, इसको कन्वर्ट करना है इनटू सेंटीमीटर एम, दोनों में लिखना है तो 3 cm है, 0.5 mm है, 0.5 mm को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 cm, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है मिलीमीटर में, क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 5 mm, क्या आ जाएगा 3 cm 5 mm, क्या आएगा 3 cm 5 mm। वही अगर किसको यूनिट है जैसे 2 mm, 2 mm इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर। अब ये कैसी यूनिट है, छोटी यूनिट से बड़ी मीटर, अगर लार्जर से स्मॉलर में जा रहे हैं, लार्जर से स्मॉलर में जा रहे हैं तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, स्मॉलर से लार्जर में जा रहे हैं लार्जर से स्मॉलर में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉलर से लार्जर में जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड। अब 2 mm को मुझे सेंटीमीटर पर लिखना है तो मैं क्या करूंगी 2 mm को अगर डिवाइड करूंगी 10 से तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.2 cm। एक तो ये तरीका होगा क्योंकि मुझे पता है 1 cm इक्वल्स टू 10 mm, तो मैंने किससे डिवाइड कर दिया छोटी यूनिट को बड़ी में कन्वर्ट कर दी तो मैंने 10 से डिवाइड कर दिया। और एक दूसरा तरीका ये है कि जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई दैट इज 1 cm इक्वल्स टू 10 mm, मेरे पास क्या है यूनिट कौन सी गिवन है 2 mm गिवन है तो मैं 10 के नीचे क्या लिखूंगी 2 mm, यहाँ पे x है, x क्या है जो वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करनी है वो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी x रहेगी, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 mm इनटू 1 cm अपॉन 10 mm, mm कर दिया मिलीमीटर मिलीमीटर कर दिया 2 / 10। जब भी 1/10 लिखा हुआ है तो उसको कन्वर्ट कैसे करना है, जितने नंबर जैसे ये हैं इसको क्या लिखेंगे 0.1, तो इसको क्या लिखेंगे 0.2 cm। मैं प्रिफर ये वाला मेथड करती हूँ, रीजन क्योंकि तुम्हें इसमें क्लियर रहेगा कि कब कौन सी यूनिट कट गई तो आंसर किस यूनिट में आएगा वो भी क्लियरली पता चला, इसमें मोस्टली मैं एडवाइस दूंगी कि एक्स वाला जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है वो करना ज्यादा अच्छा है ताकि तुम्हें यूनिट में कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ क्लियर हो, फिर क्वेश्चन दैट इज 20 mm कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, किसमें कन्वर्ट करना है 20 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मैंने क्या बोला था जब छोटे से बड़े में जाएंगे तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 20 / 10 आंसर आएगा 2 cm, क्या आ जाएगा 2 cm। और वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे आ जाएगा मेरा एक्स, यहाँ आ जाएगा मेरा एक्स और 10 mm इक्वल्स टू 1 cm, तो आंसर क्या आएगा एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 20 mm इनटू 1 cm अपॉन 10 mm, mm कट गया 0 0 कट गया तो आंसर आ गया 2 cm, कितना आंसर आ गया 2 cm। अब सेंटीमीटर और मीटर के बीच में रिलेशन देखेंगे, किसके बीच में दोनों का रिलेशन देखेंगे सेंटीमीटर और मीटर, अगर सेंटीमीटर और मीटर की जो मैं बात करूं 1 meter इक्वल्स टू 100 cm, 1 meter इक्वल्स टू 100 cm, जब 100 cm एक डिस्टेंस कवर होगा तो उसका मतलब कितना डिस्टेंस कवर हो गया 1 meter, ये सारे यूनिट्स किसके डिस्टेंस की है या लेंथ मेजरमेंट की, वॉल्यूम पानी मेजर करने के अलग यूनिट्स की हो सकती है, यहाँ हम क्या करें लेंथ मेजर करें या डिस्टेंस मेजर करें, ठीक है। तो अब मीटर को सेंटीमीटर या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की बात आती है तो क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज अगर 3 meter को कन्वर्ट करना है हमें इनटू सेंटीमीटर, किसमें कन्वर्ट
बड़े से छोटे में जाने को क्या करना है, वही छोटे से बड़े में यूनिट में जाने तो डिवाइड। तो बड़े से छोटे में जाएंगे क्या कर देंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड देख लेते हैं। x इनटू 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर इनटू 3 मीटर। x की वैल्यू कितना चाहिए, 100 सेंटीमीटर इनटू 3 मीटर अपॉन 1 मीटर। मीटर मीटर कट गया, आंसर कितना आया 300 सेंटीमीटर। कितना आंसर आएगा 300 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद की बात करें, दैट इज क्वेश्चन है 26 मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर। तो डायरेक्टली मैं लिख सकती हूं 26 इनटू 100 इक्वल्स टू कितना है 2600 सेंटीमीटर। कितना जगह 2600 सेंटीमीटर। तो मीटर की स्केल से अगर सेंटीमीटर है उसको मीटर में करना, जब छोटे से बड़े में करना है तो क्या करना होता है, डिवाइड। क्या करना होता है, डिवाइड। तो क्वेश्चन हमारे पास भी देखेंगे रुपीस का और उसका। ओके, थैंक यू।